हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, और जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखिए, आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं। अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, तभी आइसोमेरिज्म की बात होगी। इसलिए इस पर हमने स्टार दिया है, सेम क्या होना चाहिए, मॉलिकुलर फार्मूला। नाउ डिफरेंट क्या होगा, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, या दोनों हो सकती हैं, राइट। एटलीस्ट कोई एक तो डिफरेंट होना चाहिए, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी एक डिफरेंट हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। बट द कंडीशन इज मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में कम्प्लीटली। इसलिए अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है स्ट्रक्चरल, उसी का नाम स्केलेटल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, या लिंकेज, ये सब उसी के नेम है। और दूसरा होता है स्टीरियो या फिर कॉन्फिगुरेशनल, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करना है। इसके टोटल 6 टाइप हैं। एक होता है चेन आइसोमर, दूसरा पोजिशन आइसोमर, तीसरा फंक्शनल आइसोमर, चौथा मेटामर, पांचवा टॉटोमर और छठा रिंग चेन। तो ये टोटल 6 टाइप को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा जिससे आप इजीली याद रख सकते हो। एक पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है वो ये कि अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा टाइप शो कर रहा हो तो उसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो सबसे पहले टॉटोमर को। अगर दो मॉलिक्यूल में कंपेरिजन कर रहे हो तो टॉटोमर को आपको प्रायोरिटी देना है, टॉटोमर के बाद फिर फंक्शनल को, फिर मेटामर को। ये ध्यान रखना, अगर दो मॉलिक्यूल फंक्शनल भी शो कर रहा है, मेटामर भी शो कर रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दे देना है, फंक्शनल को। ओके, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। और कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मॉलिक्यूल चैन भी शो करे, या पोजिशन आइसोमर या रिंग चैन, ये कभी नहीं हो सकता, राइट। ऑलवेज जो चैन आइसोमर शो करेगा वो पी आई या आरसी नहीं शो कर सकता है, जो पी आई शो करेगा वो चैन आइसोमर नहीं। इसलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है कि फंक्शनल भी शो करे, मेटामर भी, तो इन दैट केस फंक्शनल को आपको प्रायोरिटी देना है। तो अब मैं ये 6 को अपने ट्रिक से डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाउ स्ट्रक्चरल में तीन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एक है चेन आइसोमर, एक है पोजिशन और एक है फंक्शनल। तीनों को अच्छे समझ लो, सब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, चेन आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है, सेम क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला, ये तो सेम होना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या सेम होंगे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो सब नेचर सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा इसमें, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, डैट्स ओके फाइन। कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होगी, आइदर मेन चेन या पेरेंट चेन या साइड चेन, वो अगर डिफरेंट हो गए तो इसलिए इसका नाम पड़ा चेन आइसोमर। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही नाम पड़ा है, राइट। चेन डिफरेंट है इसलिए चेन आइसोमर। एग्जांपल जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मेन चेन 4 कार्बन की है, राइट, या पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, साइड चेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3 मेन चेन 3 कार्बन के, तो मेन चेन में चेंजेज आ गया, राइट, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर, क्लियर है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, तो अगेन नेम से क्लियर है, सेम क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला, वो तो सेम होना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेन चेन भी सेम होगी, ध्यान दें, साइड चेन भी सेम होंगी, इस पॉइंट पे ध्यान दें, मेन चेन और साइड चेन ये भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही पड़ेगा। तो डिफरेंट क्या होगा, आईयूपीएसी नेम, वो तो ठीक है, डिफरेंट लोकेशन या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ा पोजीशन। सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लोकेशन पर होंगे, डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, इसलिए नाम पड़ा पोजिशनल आइसोमर। और कैसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो 1, 2 पोजीशन पे, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 पोजीशन पे। बाकी चीज़ चेक करो कैसे, देखो मेन चेन सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, यस 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेन है ही नहीं, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डिफरेंट क्या हो रहा है, लोकेशन। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान देना, मेन चेन और साइड चेन सेम होना चाहिए पोजीशन में, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये हो गया आपका पोजीशन। तीसरा है फंक्शनल, तो ये सबसे ईजी है, इसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए इजीली पहचान सकते हैं, आईयूपीएसी नेम तो डिफरेंट होगा ही, राइट। और ये चीज़ें जो है वो फिक्स हैं, जैसे अल्कोहल का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, ईथर से, अल्कोहल एंड ईथर विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट।
वैसे ही अल्डिहाइड का कीटोन से, एसिड का एस्टर से, साइनाइड का आइसोसाइनाइड से, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल हैं, फिक्स हैं, राइट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ईथर, मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, 1, 2, 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन है, राइट। तो यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ईथर है, इसलिए ये एक दूसरे क्या हो गए, फंक्शनल हो गए। तो इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चेन आइसोमर शो कर रहा है वो पोजिशन शो करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर को प्रायोरिटी देंगे, वो ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मेटामर। तो मेटामर के लिए अगेन सेम मॉलिकुलर फार्मूला तो होना चाहिए, वो तो सब में सेम चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा? तो देखो, मेटामर शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन हम अटैच कर पाएँ। इसलिए ईथर शो कर सकता है, अल्कोहल नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि एक साइड में ऑक्सीजन के हेच फिक्स है, राइट। तो इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए जिसका दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो, या फिर एस्टर वगैरह शो कर सकते हैं, राइट। फिर एसिड नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि हेच फिक्स है, राइट। सिमिलरली अमाइंस में ये शो कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल हैं बाई फंक्शनल ग्रुप, इसलिए स्टार दिया फिक्स है कि नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, डिफरेंट होगा, इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप ही शो कर सकता है, राइट। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, वो तो सब में सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे गलती होती है मेटामर में, ध्यान देना कि आपको चेक कैसे करना है, जो भी बाई फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट को लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट से कि वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, और राइट वाले को राइट से वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, अगर कोई ही एक ही एट ए टाइम हो रहा है तो फिर उसको आप मेटामर नहीं बोलेंगे। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो ये शो कर सकता है क्योंकि बाई फंक्शनल ग्रुप है, पहली पहचान तो यही हो गई। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड में एक कार्बन है, अगर इसको मैं राइट साइड मार रहा हूँ तो, और ये लेफ्ट साइड में 4 कार्बन है, राइट। अब इस पे आ जाओ तो ये है, इसके राइट साइड में 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, टोटल 415325। तो इसलिए 1 और 2 में अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करने का क्या मतलब है, ये इसका लेफ्ट में 4 कार्बन, इधर 3, चेंज हो गया, डिफरेंट। राइट में 1 है, इधर 2, ये भी चेंज हो गए, दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, इसलिए 1 और 2 को हम बोलेंगे मेटामर है। अब ध्यान से देखो, एक और हमने लिखा है सेम, ये है इधर राइट हो गया, राइट में 2 कार्बन है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में 3 कार्बन तो है लेकिन वो एक साथ नहीं है ब्रांचिंग में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखो, राइट में इधर 2 और इधर भी राइट में 2, सेम हो गए, तो राइट वाला डिफरेंट नहीं हुआ, इसलिए अब आप 2 और 3 को मेटामर नहीं बोल सकते, यही पॉइंट है, क्योंकि इधर इधर सेम हो गया। तो क्या चेंजेज हुआ ध्यान से देखो, तो इधर 1 नंबर कार्बन पे ही ऑक्सीजन है, इधर क्या होगा 1, 2 पे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो क्या होंगे, PI होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करना है, राइट का राइट से, और दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए। 2 और 3 में राइट राइट सेम हो रहा है, इसलिए मेटामर तो हो ही नहीं सकता वो। सिमिलरली अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूँ तो 1 में राइट में 1 है, राइट में 2, चेंज हो गया, लेफ्ट में 4 है, लेफ्ट में 3, चेंज हो गया, इसलिए चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, मेटामर। तो इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपको मेटामरिज्म समझाने के लिए। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म, और डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल सा ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे किसी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो वेरी सिंपल है, YZ यहाँ पे लिखा है, डैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट डैट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी चलेगा, डैट मीन्स पाई बॉन्ड होना चाहिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, और इससे जो एलिमेंट अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, चाहे इससे हो या उससे हो, दोनों से चल सकता है, मैंने एक ही साइड दिखाया, उधर से भी हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पहचान है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए। करना क्या है, तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, इसको 3, तो 3 पर वाले जो हाइड्रोजन है उसको 1 पे पहुँचा देना है, और 1, 2 के बीच का डबल बॉन्ड को 2, 3 में। तो ध्यान से देखो, ये आपका 1 था, ये 2, ये 3, तो जो 1, 2 के बीच डबल बॉन्ड था वो 2, 3 के बीच आ गया, और जो 3 पर हाइड्रोजन था वो 1 पे आ गया, तो इसको बोलते हैं टॉटोमर्स।
समझ गए बात। और ऑलवेज डबल एरो से दिखाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और ये हमें पढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सी डबल बॉन्ड हो, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला कंडीशन हो गया। इसके बगल में इधर ये कार्बन है और sp3 हाइड्रोजन है, इसके पास बाय द वे दो दो हाइड्रोजन है, इधर भी है, बट ये वाला ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन को मैं क्या करूँगा, यहाँ भेज दूँगा। तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इनॉल कॉन्टेंट होगा। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन है डबल बॉन्ड और ऑल है अल्कोहल, तो इनॉल बोलते हैं, और ये कीटो है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये ज़्यादा अमाउंट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, एक ये डॉट डॉट करके दिखाया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, फोन वर्ड से आपको याद करवाया हुआ है। फिर ये एक बॉन्ड है दो, ये एक तीन, ये एक चार, ये एक पाँच, ये एक छः, तो ऑलवेज फाइव या सिक्स मेंबर रिंग बनना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि इनॉल कॉन्टेंट ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने की वजह से इससे ज़्यादा अमाउंट में ये बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल। तो वेरी सिंपल है पहचानना और बनाना, और कौन कितने अमाउंट में होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, उसके बगल में ये एलिमेंट है, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके पास हाइड्रोजन बाय द वे दो हैं, इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान से देखो तो sp2 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इधर होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं बना दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ वाला हाइड्रोजन इस पे, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। और ध्यान से देखो तो ये एरोमेटिक भी हो गया, तो अगर एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 99% फिर तो यही होंगे, इसलिए मैंने बड़ा एरो दिखाया कि यही सबसे ज़्यादा बन जाएगा, बैक में आने के इसके चांसेस वेरी लेस रहेंगे। इसलिए कहीं पर अगर ये कंपाउंड बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो आपको फर्दर ये बना देना है, समझ के बात, इम्पॉर्टेंट है। एक और होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेस टॉटोमर। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ये दोनों कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग तो sp2 है, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे जाएंगे, अगर रेजोनेंस की कंडीशन बढ़ रही है, डबल सिंगल डबल, तो फिर आगे वाला ये कार्बन को चेक करेंगे, अगर कंजुगेशन में है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में, तो उसके बाद वाले कार्बन को हम देखेंगे, और ये कार्बन अगेन sp3 है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो पहले कैसे जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस टॉटोमर, हवा में हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फिर क्या होगा, फिर से फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आप चेंज करा रहे हो, तो इसको ऐसे ही रहने देना, पहले यहाँ का यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, और फिर उधर वाला तो यहाँ, और ये हो जाए, तो ये भी बाय द वे एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखना, कभी ऐसा बन रहा है तो क्विकली आपको इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 99% यही होंगे। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे होगा वो समझा दिया है, तो अच्छे से आप देख लो। एंड लास्ट डैट इज रिंग चेन, ये वेरी रेयर है, पूछा नहीं गया, बस समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब राइट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होना चाहिए डेफिनेटली, फंक्शनल ग्रुप ये सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा, रिंग और चेन पहचान में आ जाएगा, एक रिंग होने चाहिए डैट मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक ओपन स्ट्रक्चर, इसलिए रिंग चेन। आयु पैक नेम तो डिफरेंट होगा ही, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वेरी सिंपल है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, 1, 2, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1, 2, 3 कार्बन, तो दोनों का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, C3H6। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे, तीन कार्बन और दो दो हाइड्रोजन है इनके पास, तो वही आपका यहाँ भी एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बराबर है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया तो भी हो पाएगा, अगर ये होता तो नहीं हो पाता, क्यों, मॉलिकुलर फार्मूला अलग हो जाते, ये होता C3H8, ये थी C3H6 है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों देख के समझ में आ गया, एक रिंग है और एक चेन है, तो ये रिंग चेन आइसोमर है। वैसे एक और एग्जांपल, जैसे ये और ये हैं राइट, तो ये सिक्स मेंबर की एक रिंग है और ये सिक्स कार्बन का एक ही है, और दोनों का डी यू सेम है।
अब जरूरी नहीं कि यही हो, और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, राइट। छः कार्बन ऐसे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये इनका इनके साथ रिलेशन, इनका इनके साथ रिंग चेन होगा। तो ये बेटा टोटल 6 जो स्ट्रक्चर थे उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, टू द पॉइंट हमने बात किए। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया, 15 मिनट में वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया। इससे बाहर कुछ नहीं है, अच्छे से समझ लो, आपके सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आने वाले इजीली हो जाएंगे। थैंक यू।